क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम धवल और आप देख रहे हो टेक लॉन्च। और कुछ टाइम पहले आपने अगर देखी होगी तो वन प्लस नॉर्ड वॉच का हमने डिटेल्ड रिव्यू किया था, जिसमें एक एक चीज क्लियर कर दी थी कि क्या है ये वॉच, कैसा प्रोडक्ट है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जिसपे कोई ऐसे सच स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा है। वो है कि 5,000 रुपीज की घड़ी आती है और इसमें वो क्या क्या फीचर्स मिसिंग हैं जो कि होने चाहिए थे 5,000 की रेंज की एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच के अंदर। सो मैं हूं धवल, आप देख रहे हो टेक लॉन्च, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, 5,000 रुपए की रेंज में जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं वो काफी प्रीमियम होती हैं और सस्ती कहीं से भी नहीं होती हैं। एक एवरेज यूजर के लिए कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो एक स्मार्ट वॉच लेता है, और जब आपकी घड़ी में वही फीचर्स ना हो तो आपके लिए वो एक पर्टिकुलरली नो गो ऑप्शन बन जाता है। सो ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वन प्लस को ये देने चाहिए थे पर नहीं है। इसकी वजह से आपका परचेज मेकिंग डिसीजन जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो बात करते हैं पहले फीचर की। पहला फीचर जो इसमें नहीं है वो है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ही नहीं। इसमें AMOLED डिस्प्ले है, बहुत अच्छा 60Hz का डिस्प्ले है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं है। सो ये आपको स्क्रीन ऑफ होने के बाद टाइम नहीं दिखाएगी। दूसरा फीचर जो इसमें मिसिंग है वो इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है, जिसकी वजह से इसमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं आता है। और साथ ही साथ इस पर अगर आप थप्पड़ मारते ना घड़ी पे, मतलब बाकी घड़ियों की तरह, तो ये ऐसे बंद नहीं होती है। तो ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा फीचर है बट मिसिंग है। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, हालांकि कुछ वॉचेस ऐसी हैं 5,000 के ऊपर जिनमें मिलता है, बट इसमें नहीं मिलता। होता तो अच्छा होता, नहीं भी होता तो मेरे लिए कोई इतनी बहुत बड़ी डील नहीं है, ये हो सकता है आपके लिए हो, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। इसमें आपको जो म्यूज़िक कंट्रोल्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल भी मतलब अपीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आप एक प्रीमियम वॉच यूज़ कर रहे हो। उस टाइम पर बड़ा ही अजीब सा अनफिनिश्ड सा यूज़र इंटरफेस है उसका। सॉन्ग नेम लिखा नहीं आता है, आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सॉन्ग नेम लिखा नहीं आता। ये हो सकता है मेरे ही साथ हो रहा हो, लेकिन जो भी है मतलब ये एक इशू मुझे फेस हुआ है। सो अगली प्रॉब्लम जो इस वॉच में मुझे लगी है वो है कि इसमें जब कॉल आती है तो इसमें साइलेंट बटन नहीं है। आप ये जो इसका छोटा सा बटन है साइड में, उसको दबा के आप कॉल को साइलेंट तो कर सकते हो, लेकिन उससे वॉच साइलेंट होती है, फ़ोन साइलेंट नहीं होता है। रिसीव तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, जैसा मैंने अभी बताया, बट साइलेंट भी आप डिवाइस को अपने फ़ोन को नहीं कर सकते हो। इसमें आपको बिल्ट इन GPS नहीं मिलता है, जो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक नहीं है, इट्स फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोगों को हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। कुछ लोग जो है अपने फ़ोन नहीं लेकर जाते, सिर्फ स्मार्ट वॉच लेकर जाते हैं अपना वर्कआउट करने, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसकी जो ऐप है एन हेल्थ ऐप, उसमें कहीं कहीं पे चाइनीज लैंग्वेज आ जाती है, खासतौर से जब आप प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करते हो। ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे नहीं पता किसी और के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर मेरे साथ तो हो रहा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात मैंने अपने फुल रिव्यू में भी बताई थी इस वॉच के, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो पूरा का पूरा रिव्यू आई बटन पर जाके। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो चाइनीज़ ऐप में लैंग्वेज आ रही है, ये इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि कहीं डेटा ब्रीच का कोई सीन तो नहीं है इसमें। हालांकि ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि हो रहा है, बट मुझे ऐसा थोड़ा सा डर सा लगा वो देख के। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वॉच ख़राब है, इसमें बस कुछ फीचर्स मिसिंग है जो कि अगर होते तो इसके 5,000 रुपीज़ के प्राइस टैग को पूरी तरह जस्टिफाई करते और ये मार्केट डिसरप्टर होती, एक प्रोडक्ट होता जो कि मार्केट डिसरप्ट कर देता, बट ऐसा है नहीं। तो बस इन फीचर्स के ना होने की वजह से ये वॉच स्लाइटली ओवर प्राइज है। ये अंडर 4,000 होती तो बढ़िया रहता, बट स्टिल अगर आप वन प्लस नॉट वॉच को लेने का सोच रहे हो तो ये फीचर्स इसमें मिसिंग है। आप ये वीडियो के साथ अपना डिसीजन और क्लियर कर सकते हो कि आप ये वॉच की तरफ जाना है या नहीं जाना है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस घड़ी के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल पर रिव्यू को चेक कर सकते हो। लाइक करो ये वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जो ये वॉच लेने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, और सब्सक्राइब करो टेक लॉन्च को। टिल देन, सी यू।